सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। हमारे साथ कौशल किशोर बटोले जी जो अपनी शेयरिंग को हमारे साथ में रखेंगे। मैं आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो कौशल भैया, आप इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद से अभी कार्यनियुक्त हुए हैं। मैंने उनका फर्स्ट पीएच वर्कशॉप जुलाई 2021 में किया था और बहुत एक्टिव वॉलेंटियर है। मध्य प्रदेश में जो राज्य आनंद संस्थान की तरफ से जो स्कूल में पीएचडी को लाने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में भैया काफी एक्टिव है। भैया जो टीचर्स के लिए वीकली मीटिंग होती है उसके लिए अकोमोडेशन और उसी तरह से मास्टर ट्रेनर भी है। भैया आपका स्वागत है। और जी धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो मेरा परिचय तो काफी हद तक हो ही गया है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैं फिर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया हूँ। एक एक कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ। और इतना सब करने के बाद फिर यूएचपी से 21 में जुड़ा, तब से मैं मॉर्निंग सेशंस में जुड़ा ही हूँ और जहाँ भी सहभागिता की जरूरत पड़ती है वो करता रहता हूँ। मेरे परिवार में देखें तो पत्नी घर को मैनेज करती हैं, एक बेटा है जो एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी है ग्वालियर में, जो एक मेंटल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल उसमें है। और जो पुत्र वधू है वो भी एमफिल इन साइकेटिक सोशल वर्क में है, तो उनका कम्बिनेशन बना हुआ है। एक ग्रांड सन है 4.5 साल का, जिसका शाम का समय हम लोगों का साथ साथ गुजरता है, तो इस तरह वो चल रहा है। अब हम इसको देखते हैं, अभ्यास 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा शेयर करता हूँ। एक्चुअली अभ्यास 1 में जो पहला स्टेप है उसमें सजगता काफी बढ़ी है अभी। उसमें प्रयास मैंने कई तरह से किए हैं। शुरू में जो था, असाइनमेंट मिलते थे उनको लिखता था, पढ़ता था। फिर मेरा एक जो सबसे बड़ी कमी थी कि मैं कल्पनाशीलता में बहने की आदत बहुत ज्यादा थी, और कल्पनाशीलता में बहना बहते बहते कभी कभी अपने जो मूल काम कर रहे होते थे वो भी उतने अच्छी तरह नहीं हो पाते थे। और अब क्या हुआ है कि ये कल्पनाशीलता की थोड़ी विषय वस्तु बदल गई है। उसमें ये यूएचबी से रिलेटेड कंटेंट्स और इसमें कल्पनाशीलता ज्यादा चलने लगी है। और जब से इस एक स्टेप 1 पे जितना काम होता जा रहा है उतना बाकी और स्टेप को करने में भी काफी मदद मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अभी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। और अवेयरनेस बढ़ने से क्या हुआ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, फिजिकल काम कर रहा हूँ, तो उनमें जो पहले होता था कि भूल जाना किसी चीज को रख के या किसी काम को, ओवरलैपिंग हो जाती थी, तो जब से ये सजगता बढ़ी है तो उनमें भी सुधार हुआ है। क्योंकि हर एक एक्टिविटीज के टाइम में थोड़ी सजगता रहती है तो फिर वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर अगर और स्टेप्स को देखें, स्टेप अभ्यास 1 के, तो बाकी अपना जो भाव, पहले तो विचार ही से निकल के भाव तक पहुंचा हूं, तो अब भाव दिखने लगे हैं, ये हो पाया है। और भाव के पीछे अगर स्टेप 2 को देखें तो वो भाव को, ये मूल्यांकन है अपने भावों का कि स्वीकार है या नहीं है। तो जो भाव चल रहा है जब उसको ये देख लेते हैं कि ये स्वीकार नहीं है तो नेचुरली उसमें बदलाव हो जाता है। और उसमें आराम में है या दुखी में है या परेशान है, उस भाव से वो भी दिखने लगेगा। और फिर निर्णय कौन लेता है, बाहर की परिस्थिति या मैं, हाँ ये भी दिखने लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्टेप 5 अभ्यास 1 का, कि निर्णय का आधार क्या है। वो निर्णय का आधार देखने से बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जा रही है कि इसके पीछे वो देख पा रहा हूँ कि मान्यता है या समाज है इस भाव को जो मैं चला रहा हूँ इस समय। तो जब इस स्टेज तक पहुंचने में समय तो लगा,
लेकिन उसमें मदद मिली जितनी हमने सजगता बढ़ा पाया मैं स्टेप नंबर एक में। बीच बीच में फिर कभी कभी मैं एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली करता था, उस पर ध्यान दे के सजग होके, तो वो उससे भी मदद मिली। अब स्टेप सिक्स को देखें तो कौन सा भाव सहज स्वीकार है, इसको अगर देखने जाते हैं तो वही, चूंकि अभी एक क्लियरिटी होने लगी है कि जब मेरे में ये संबंध व्यवस्था और सहजता के अनुरूप भाव चलते हैं तो मैं आराम में रहता हूँ। और इसको ही फिर जब आराम में रहता हूँ तो नेचुरली फिर इसी को समझने पे थोड़ा काम करता हूँ। और अब जब आगे चल के स्टेप सेवन देखें तो जो स्टेप सिक्स है उसी को सुनिश्चित करने का काम हम साथ में कर रहे हैं। हाँ, वो अब कर भी पा रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेज है एक्चुअली सातवां, तो वो उसमें अभी थोड़ा सा समय तो लग रहा है, लेकिन हाँ ये मैं देख पा रहा हूँ कि मैं वो होने लगा है और हो रहा है। तो इतना तो स्टेप वन एक्सरसाइज वन के बारे में था। अब एक्सरसाइज टू को देखें तो टू में जो है ये निश्चित करने में कि मैं और शरीर दो वास्तविकताएं हैं और अलग अलग वास्तविकता हैं, इसमें काफी समय लगा, क्योंकि जो शरीर के को मान के जीने की जो पुरानी आदत थी वो बार बार बीच बीच में आ जाती थी, कभी ध्यान रहता था कभी नहीं रहता था। लेकिन हाँ, ये अभी ये कह सकता हूँ कि हाँ ये जो जो दो वास्तविकता है इनको मैं देख पा रहा हूँ। और जो आदान प्रदान है शरीर और मेरे बीच में वो सूचनाओं का है, और सूचना कोई जो है भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, ये बिल्कुल दिखने लगा है। पहले उतना नहीं दिखता था और बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आती थी, मैं स्टेप फाइव में उसको बोलूंगा। और दृष्टा कर्ता भोगता ये भी कम दिखता है, लेकिन हाँ ये स्पष्टता तो हो गई है, लेकिन हाँ उतना नहीं दिखता है। और स्टेप फोर को देखें एक्सरसाइज टू के, तो शरीर से अलग हूं ये देख पाना कठिन था, लेकिन हाँ अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह देख पाता हूँ इसको। संवेदना में नहीं हूँ, संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, ये चीजें जो है कभी ऐसे मिक्सअप हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं कि एकदम डिस्टिंग्विश्ड में देख पाता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ ये सजगता बनी रहने के कारण वो डिफरेंस हाँ देखने लगा हूँ। और स्टेप फाइव जो कि वो संवेदनाओं को अर्थ देना, इसके चक्र में मैं बहुत दिन फंसा रहता था। बाहर से जो चीजें आती थी वो उतना प्रभावित नहीं करती थी, अंदर की जो संवेदनाएं उठती थी और उनको जो मैं अर्थ देता था, वो अर्थ जो है समझ के आधार पर ना हो करके वो सूचनाओं के आधार पर था। जैसे कि कहीं अखबार में सुन लिया, किसी डॉक्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया या कुछ, उनके कारण फिर अपने आप को उसको अर्थ दे करके परेशान रहता था। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती थी वो अपने अंदर जो कल्पनाशीलता उठ रही है उसके कारण जो शरीर में फिर संवेदनाएं उठने लगती थी उसी हिसाब से, क्योंकि जो मेरी कल्पनाशीलता का जो आधार था वो चूंकि मान्यताएं थी और बहुत सारी सेंसेशंस थे, बहुत सारी सूचनाएं थी, उनके आधार पर जब लेता था तो वो जो कल्पनाशीलता उठती थी उससे शरीर में कई तरह की दिक्कतें आती थी। एक तो एंजाइटी वाली प्रॉब्लम थी कि बहुत ही उतावलापन रहता था हर एक काम को करने के लिए, क्योंकि कुछ भय अंदर उसके पीछे एक भय सा रहता था कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, तो वो बहुत कम हुआ है। और ये पांच स्टेप फाइव जो है जो अर्थ देने वाला काम है वो उसमें काफी सुधार हुआ है, जिसके कारण बाहर जो शरीर की जो हेल्थ है उसपे काफी असर पड़ा है। वैसे तो मैं स्वस्थ स्वस्थ था, लेकिन मैं देखता था कि कभी कभी जब मैं बाहर कोई संवेदना उठती थी शरीर में, मान लो एसिडिटी के कारण कुछ होता था दर्द, तो लगता था कि अरे ये कहीं वैसा दर्द तो नहीं है, कहीं वो कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ कहा है उसके कारण तो नहीं है, ये बहुत सारी मान्यताएं जुड़ती थी और बहुत परेशान होता था। लेकिन अब बिल्कुल सहज हो गया हूँ और वो समस्याएं भी खत्म हो गई, एंजाइटी और ये एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम्स थी, पेन्स थे, वो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं।
मैं ये बिल्कुल देख पा रहा हूँ। उसके कारण जो पेट में जो प्रॉब्लम इंडाइजेशन वगैरह उसकी रहती थी, वो भी मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ, ये जो हमारी जो कल्पनाशीलता से जो उठ रही संवेदना के कारण जो बेचैनी रहती थी, परेशानी होती थी, उसकी जगह अभी शांत होने लगा हूँ, तो उसका असर मैंने देखा है कि अपने शरीर पे भी पड़ा है। अब स्टेप सिक्स अगर देखें, अध्याय दो का, अभ्यास दो का, तो जब वो ही यहाँ पर और क्लियरिटी बनती है कि जो मान्यता पे आधारित जब हमारे पास जो संस्कार होते हैं, तो फिर वो प्रतिक्रिया होती है, कभी कभी ऐसा नहीं नहीं होती है। हाँ, और ज्यादातर अभी चूंकि सजग रहता हूँ तो वो प्रतिक्रिया ना होकर के अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स ही रहता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब एक्सरसाइज दो के स्टेप सेवन को देखें तो हाँ, इस पे भी काफी काम हुआ है, क्योंकि जो मेरा जुड़ाव जब से हुआ है तब से मैं अध्ययन और अभ्यास दोनों का कम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। तो काफी बीच में पिछले साल से मुझे काफी समय मिला, तो उस बीच में मैंने काफी अध्ययन किया, गोपाल भैया को भी सुना, श्याम भैया को भी सुना, और बहुत सारी चीजें, और एज ए वॉलेंटियर में ज्वाइन हुआ हूँ, एज ए और दूसरे जो USB 2 3 इन सब में मैं ज्वाइन होता रहा हूँ, और ऑनलाइन भी इनको मैं करता रहा हूँ। तो इससे क्या है कि ये अभी मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में है, तो ये दिखने लगा है। अभी पूरी तरह तो नहीं कह सकता कि हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ स्टेज तक इसकी ग्लिम्स आने लगी हैं, कुछ हद तक मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जो मेरा अस्तित्व और सह अस्तित्व का जो समझ है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें जो कौन कौन से स्टेप्स क्लियर हैं, ज्यादातर जो स्टेप 5 दोनों का, अभ्यास एक का निर्णय का आधार मान्यता या समझ ये वाला, और स्टेप 5 जो है अभ्यास दो का, उसमें जो अर्थ देना संवेदनाओं को, जो जो भी संवेदना जो भी सूचनाएं मिल रही है हमें शरीर से, उनको अर्थ देना, इन दो पे काफी क्लियरिटी बनी है। और स्टेप 7 पे थोड़ा थोड़ा अभ्यास एक के पे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थोड़ा बढ़ने लगा हूँ, परमार्जन की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि वो हो चुका है। अब इसके आगे सुख स्वभाव है या प्रभाव, अगर इसको देखें तो इसमें स्पष्टता हो गई है, लेकिन हाँ, अभी भी ये नहीं कि स्पष्टता होने के बाद स्थिरता हो गई है, वो नहीं है। हाँ, ये हो गया है कि सुख जो है स्वभाव है, ये निश्चित हो गया है, लेकिन कंटिन्यूटी तो नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बाहर की चीजों से भी हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा जो समय है और कार्यक्रम है वो अनुकूल संवेदना पाने के लिए तो नहीं रहता है, क्योंकि वो अभी उसकी वो नहीं लगती। हाँ, कभी कभी लगता है जो प्रेज पाने वाला भाग है, कभी कभी प्रसन्नता मिल जाए या किसी चीज अप्रिसिएशन मिल जाए, वो कभी कभी आ जाता है, वो तो आ जा रहा है। और जो चैतन्य के अर्थ में ही ज्यादा कार्यक्रम है मेरा, उसका अगर परसेंटेज देखें तो करीब 70 से 75% उसके अर्थ में मेरा है, और मान्यता पर आधारित संवेदना पर आधारित बहुत कम है, स्वीकारता के आधार पर है, और शरीर के लिए भी मैं अलग से समय दे रहा हूँ अपने स्वास्थ्य को और संयम को बनाए रखने के लिए। संयम में तो था ही मैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज को भी मैं सुबह देता हूँ, एक एक घंटा तो अपने शरीर के लिए मैं देता हूँ, और बाकी बाकी समय जो है इसके लिए लगा ही रहा हूँ, अपनी समझ बढ़ाने के लिए। अब सहभागिता को देखें तो पहले मैं सोचा करता था कि पहले पूरी विषय वस्तु समझ लूं फिर सहभागिता करूंगा, लेकिन जब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ने के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और UHB की टीम और जो राजानंद संस्थान की टीम ने जब से ये शिक्षकों का
ट्रेनिंग शुरू किया है, क्योंकि जो सिलेबस 9वीं से लेके 12वीं तक चल रहा है उसके करीब 700 के करीब पिछले साल ट्रेंड हुए थे टीचर्स, और 600 इस साल। तो उसमें जो मेरी भूमिका रही है, मैं 15 15 दिन भोपाल में दोनों साल रहा हूँ, और भानु भैया और वंचना दीदी और ये पूरी टीम के साथ मेरा रहना हुआ है उनके साथ, और प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके जो सेशंस उन्होंने लिए हैं शिक्षकों के लिए उसमें मेरी पूरी सहभागिता रही है, तो वो कर रहा हूँ। अभी जो इसके बाद का जो काम है, अभी स्कूल्स के जो टीचर्स के लिए जो फ्राइडे को मीटिंग्स रखते हैं, जो उन्हें कंटेंट शनिवार को लेना होता है क्लास में विद्यार्थियों के साथ, तो उसमें भी मेरी भूमिका रहती है, मॉडरेशन का काम और संक्षिप्त पिछली मीटिंग का जो संक्षिप्त सार है वो रखने का काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के जो सीएम राइज स्कूल्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन का भी मुझे थोड़ा जिम्मेदारी दी गई है, तो उन स्कूलों में जाकर के भी शिक्षकों को क्या दिक्कत आ रही है कंटेंट से रिलेटेड या वैसी कोई, तो उसमें भी मैं सहभागिता कर रहा हूँ, उनके साथ मैं समय दे रहा हूँ। जनरली वो लोग, मैं कल भी इस शनिवार को भी गया था, तो उनकी ये थी कि सर कुछ सेशन तो वहाँ 6 दिन तो करके आ गया, लेकिन अभी भी वो कंटेंट्स पे मेरी थोड़ी पकड़ नहीं बनी है, इसलिए थोड़ी उसमें मदद की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग लीजिए सेशंस, मैं भी एज ए ऑब्जर्वर बैठता हूँ और मैं भी देखता हूँ कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही, तो मैंने भी कुछ उनमें उनके सेशंस लेना शुरू किए हैं साथ साथ में, और वो काम चल रहा है। तो इतना इतना जिला स्तर पर कम पा रहा हूँ। और कमिटमेंट की बात है तो अब कमिटमेंट मेरा यही है कि मुझे जब ये निश्चित हो गया है कि ये करने लायक काम है, और यही एक करने लायक काम है जिसके द्वारा कि सोसाइटियल जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, इसकी स्पष्टता हो गई है, तो अब ज्यादातर समय में इसमें देता हूँ। घर में भी जो इसके बारे में चलता रहता है, दूसरा ग्वालियर में सोच रहे हैं कि टीचर के साथ मंथली एक मीटिंग्स रखें, और लोगों के साथ भी 3 दिन के जो प्रोग्राम वहां पर चलते हैं भोपाल में, उनको कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज कर सकें उनको, यहाँ पर और भी हैं जो ट्रेंड हैं, अर्चिता दीदी हैं और लोग हैं, तो इन सबके सहयोग से, और फिर राजानंद संस्थान में इरशाद भैया हैं और केसरी जी हैं, वो लोग भी काफी मदद करते रहते हैं सभी लोग, तो इस तरह कुल मिला के मेरा कमिटमेंट यही है कि कोशिश करते हैं कि कितना समय मैं दे पाता हूँ। वैसे समय की उतनी कमी नहीं है, क्योंकि अभी जो परिवार की समृद्धि के लिए जो समय देता हूँ 2 घंटे करीब, वो मान लें 3 से 4 घंटे में इसमें दे पाता हूँ, इस कंटेंट्स के लिए और UHV के लिए, और परिवार के लिए आवश्यकता अनुसार जब समय होता है तो ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो इस तरह मेरा ये चल रहा है सारा कार्यक्रम। मेरा इतना ही शेयर करना था। आप लोग अगर जो भी पूछेंगे कुछ या क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरी समझ बढ़ाने में वो सहायक होगा, तो मेरी तरफ से इतना ही बस, धन्यवाद सभी का। तभी मैं शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीदी भैया के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। दीदी और भी जी नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते कौशल किशोर जी, नमस्ते, नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत ही बढ़िया रही है आपकी शेयरिंग। हर बार मैं सुनती हूँ तो दिखता है कि कितने बारीकी से आप अपने अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं, और मतलब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं शुरुआत से लेकर, तो बहुत ही धन्यवाद। अच्छा लगा। आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 59 में चल रहा हूँ अभी, नहीं बहुत बढ़िया, सॉरी 69, उल्टा हो गया, नाइन, हाँ 70 बहुत होने ही वाला। अच्छी। जी, तो ये भी आई थिंक बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहेगा कि हमारी उम्र बढ़ती जाए उन्होंने तो भी हम अपने अंदर सजगता बढ़ाए रखे रह सकते हैं और बारीकी से अपने अंदर देख पा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहा आपका। और ये भी जो आपने मेंशन किया एसिडिटी का, इसको हाँ अगर आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ में ही या यू नो डॉक्यूमेंट कर देंगे, अगर इंग्लिश में लिख के हमको दे देंगे ठीक है, तो ठीक है। हम उसको यूज कर पाएंगे। बहुत से ना बहुत से हाँ और लोग भी हैं
जिनको हाँ आइडिया नहीं है कि ना ये एक कारण हो सकता है, जैसे कि हाँ हम हाँ लोग तो आम बात, मतलब ये बात होती ही रहती है और हम में से काफी लोगों ने ये देखा भी है और इसके बारे में शेयर भी किया है कि जब हमारे ना हमारे अंदर विचारों में बहुत उतार चढ़ाव गड़बड़ होती है तब उसका शरीर पर भी इम्पैक्ट दिखता है। तो इसको हाँ आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करके हमको, छोटा सा, डेफिनेटली बहुत बड़ा जरूरी नहीं है, आप हाँ, नहीं मैं दे दूंगा, दे दे, दीजिए। हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत से लोगों के लिए ना ये बहुत उपकारी रहेगा। हाँ तो मुझे बस यही कहना था कि आप जो इतना सब काम कर रहे हैं, जो इतनी भागीदारी कर रहे हैं, उससे बहुत बहुत लोगों का उपकार हो रहा है, ऐसा मेरे मुझे लगता है। एंड मुझे लगता है कि जो सब लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ये इंस्पायरिंग है कि हम कभी भी किसी भी समय हम इस कंटेंट से गुजरते हैं या अपने अंदर हमारा ध्यान जाता है और हम ना अपने अंदर देखने लगते हैं, तो उससे कितना बड़ा ना अपना तो फायदा होता ही है, लेकिन आगे समाज के लिए भी हम कितना सारा काम कर पाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद, धन्यवाद शुभकामनाएं। दीदी।